पानी की टंकी में लगाई जा रही पीला व खड़ंजा ईंट, करोड़ों की लागत से बनने वाली पानी की टंकी में घटिया सामग्री के लगाए जाने से ग्रामीणों में रोष। पीलीभीत के थाना दियोरिया में जहां एक ओर ग्रामीणों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपए की लागत से गांव-गांव में मुख्यमंत्री योगी द्वारा पानी की टंकी बनवाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जिले के आला अधिकारियों की अनदेखी के कारण अधीनस्था कर्मचारियों द्वारा घटिया सामग्री लगाकर लाखों रुपए डकारने में लगे हुए हैं। ऐसा एक मामला प्रकाश में आया है कि रहमानगंज में बनाई जा रही पानी की टंकी में घटिया सामग्री पीला व दोयम ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत दियोराजपुर के मजरा रहमानगंज में गरीबों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से एक प्राइवेट कंपनी द्वारा रहमानगंज के पश्चिम में एक धार्मिक स्थल पर पानी की टंकी बनवाई जा रही है। उक्त बनवाई जा रही पानी की टंकी में संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जल निगम के अधिकारियों ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका देकर उक्त पानी की टंकी का कार्य शुरू करा दिया है, लेकिन इस बनाई जा रही पानी की टंकी में ठेकेदार अपनी मनमर्जी के तहत पीला दोयम व खंजड़ा की नींव में ईंटें लगवा कर अधिकारियों को गुमराह कर रहा है। उक्त पानी की टंकी में लगाई जा रही घटिया किस्म की ईंटों से अधिकारी अनजान बने हुए हैं या ठेकेदार गुमराह किए हुए हैं, जो कि लोगों के गले से नहीं उतर पा रहा है। जबकि ग्रामीणों ने फोन द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, जिसे क्षुब्ध होकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान जगपाल से शिकायत की। ग्राम प्रधान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर जा पहुंचे तथा घटिया किस्म की ईंट देखकर बौखला गए और घटिया सामग्री की वजह से ठेकेदार को काम बंद कराने को कहा। इधर काम करा रहे ठेकेदार के अधीनस्थ से मीडिया कर्मियों ने संपर्क कर नाम पता पूछने पर बताने से इनकार कर दिया और दबी जुबान से घटिया सामग्री होना स्वीकार किया। बहरहाल योगी सरकार की गुणवत्ता पूर्वक कार्य कराने के दिए गए निर्देश विभागीय अधिकारी व ठेकेदार पर बेअसर साबित हो रहे हैं। ग्राम प्रधान जगपाल ने तमाम ग्रामीणों सहित जिले के तेज तर्रार व ईमानदार जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा बनवाई जा रही पानी की टंकी की जाँच कराने की मांग की है। GBN 24 न्यूज के लिए पीलीभीत से राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जगपाल वर्मा, ग्राम प्रधान दियोराजपुर। क्या समस्या आपकी है? हमारी समस्या ये है कि टंकी हमारे यहाँ बन रही है, घटिया सामग्री लग रही है। हमने इन लोगों से कही, फिर भी जो लोग मान नहीं रहे हैं, पीरा दोम और खंजर लगा रहे हैं। उच्च अधिकारियों से बात की नहीं की आपने किसी से? उच्च अधिकारी से यहाँ पे ठेकेदार आए थे, उनसे हमने बात की थी तो बोले कि ये ईंट लगेगी। हमने कि लिखे दो, फिर भी उनने कही नहीं, लिखे नहीं देंगे। और कुछ नहीं कहा उन्हें ना? और कुछ नहीं।